टॉप में जो गुंडा का पेड़ है वहां पे, क्योंकि इनको काट तोड़ने के लिए इनको एक एक डाली हम काट देंगे, क्योंकि और फिर वहां से दूसरी डाली निकलेगी तो अगले साल वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो चलो करता हूँ मैं स्टार्ट। तो अब मैंने जो लसोड़े हैं या गुंदा, आप अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, तो उनको मैंने काट दिया है। इनकी डाली ही मैंने कटिंग कर ली है, क्योंकि अगले साल जहाँ से कटिंग किया हुआ है वहाँ से दूसरी डाली निकलेगी। तो आप देख सकते हो वो डाली में कितने सारे आए हुए हैं, एक साथ कितने आए हुए हैं ये देखो आप, बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं इस साल, बहुत ही ज़्यादा आए हैं देखो आप। ये मैंने कटिंग कर दिया था अगले साल, तो ये फिर से आई और इसमें बहुत ही ज़्यादा लसोड़े या गुंदा वाए हुए, और मुनी यहाँ पे उनको एक एक करके या तोड़ लेगी। और इसमें भी ये ऊपर की जो इनकी कवर होता है, जो ये वाला कवर, उनको रहने देना होता है, इनको तोड़ना नहीं होता। अगर ये टूट जाए ऐसे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। हमने तोड़ लिए हैं इतने सारे, पकड़े रहे ना, छोड़ना मत। हमारी गोपी को बहुत ही मस्ती चढ़ी हुई है आज। तो अभी मैं ऊपर आया हुआ हूँ आम तोड़ने के लिए। आइए देखो, और आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी वो भी आप देख सकते हो। ये हमने एक जुगाड़ बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तोते बहुत ज़्यादा आते हैं खाने के लिए, उनको भगाने के लिए ये हमने किया हुआ है जुगाड़, क्योंकि हमें बनाना है इनका अचार, कच्चे आम का अचार। तो ये हमने तोड़ लिया है कच्चे आम इस इतने। तो मम्मी और मुनी वो दोनों जो हमें लसोड़ा या गुंदा तोड़ के ले आए हैं, उनको भी एक एक करके जो इसमें भरते हैं, और इसके बाद इनको इसमें हल्दी और नमक वो मिक्स करके इनको गर्म किया जाता है पानी के साथ, और बॉयल करके इनको रहने देते हैं दो चार दिन। ऐसे बनता है अचार, आगे आगे बनता जाएगा, ऐसे आप लोग देखते जाओगे। तो अभी हमने जो आम तोड़े हुए हैं उनको कटिंग कर रहे हैं पापा, क्योंकि ये लग ना जाए उनका बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो आप देख सकते हो ये हमारे आम अभी कच्चे हैं, अभी ये पक नहीं सकते, इनको अचार में हम यूज़ करने वाले हैं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे हम पहले, अब ऐसे ऐसे रहने देंगे, देख सकते हो आप।
अब हमारे यहाँ बहुत सारे वेजिटेबल्स होने लगे हैं। आप देख सकते हो भिंडी और चोरी एंड गलका, इनको क्या शायद ऐसा ही कुछ बोला जाता है हिंदी में। और दूसरे क्या है, गुवार। गुवार अभी नहीं आए, आज गुवार की सब्जी बन चुकी है। तो आज अभी हमारे यहाँ बहुत सारे कुछ कुछ रह चुके हैं सब्जी बनाने में। और यहाँ पे मुनी बना रही है आज लसोड़ा का जो संभारा बोलते हैं वो। आज पूरा दिन वीडियो में यही देखने को मिला है। और सब्जी अब फ्रेश वाली सब्जी हमें मिली है खाने के लिए, और भी इतनी सारी। और अभी बैंगन तो यही है, वो तो बहुत ज़्यादा आज निकले हुए है। एंड यहाँ पे चल रहा है बच्चों पार्टी का कुछ खेल, अलग अलग खेल खेला जा रहा है। और मिताज कुछ यहाँ पे बना रहा है उनका घर। मिताज घर बना रहा है, बन गया, इतना छोटा सा बनाया हुआ है। तो विलेज लाइफ हमारे बच्चों की ऐसी होती है, हमारे बच्चों विलेज लाइफ में ऐसे रहते हैं। अरे झूला झूलना है, चला जा। तो इनको अभी झूला झूलना, गिर मत जाना, गिर जाओगी धीरे धीरे। अरे रियान, रियान तो रह चुका है, वो क्या कर रहा है? ओ उनके पास तो जेसीबी है, वो स्पिनर। जेसीबी लेकर कहाँ जाना है, कहीं जाना है? इसमें जाना जाना है। और यहाँ पे डक्स भी कुछ बना रहा है, दो दो को घर बनाए हुए है मिताज ने। तो अब बना रही है मुनी जो हमारे गुंडा का जो संभारा बनाना है उनके लिए तैयारियाँ। तो उन्होंने सब मसाला ऐड करके उनका आटा तैयार अभी हो रहा है। इसमें आटे में हमने लिया हुआ है बेसन का आटा और दूसरा है हमारे बाजरी का आटा। तो इनको भर के हमने ऑलरेडी अच्छे से तैयार कर दिया है, उनको फ्राई करने में अभी तैयारियां हो रही है। तो इनको अच्छे से फ्राई करके अच्छे से पकने देंगे और फिर इनको खाने में यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एंड यहाँ पे बन रहा है हमारे देसी चूल्हे पे हमारा देसी नाश्ता। तो ये हमारे मूंगफली के बीज उनको फ्राई कर लिया, और मुरमुरे, और दूसरा यहाँ पे पॉपकॉर्न। फिर अभी आगे आगे प्रोसेस बढ़ रही है। तो अब बन रहा है हमारे घर देसी चूल्हे पे हमारा देसी खाना। एंड विलेज लाइफ का इवनिंग का जो खाना होता है वो, या काठियावाड़ी खाना, वो भी बन रहा है बाजरी का रोटला। तो मुनी बना रही है बाजरी का रोटला गर्मा गर्म। अभी हमने यहाँ पे रख दिया है इनको बॉयल करने के लिए। इसमें
हल्दी और नमक वो दोनों ऐड करके अभी आप देख सकते हो उबल चुका है। तो अब इनको निकाल लेंगे और इनको तो 3 या 4 दिन, कितने दिन मुनी मुनी कितने दिन इनको सुखाना होता है? हाँ, छाँव में इनको धूप पर ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, वैसे इनको सुखाना होता है। इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।